प्रणाम रुकैया बेगम। अब रउआ के घाव कैसन बा? अगर हाथ पे लागल जख्म के बात कर रहल बाड़ू तऊ त जल्दी ही भर जाई, और अगर दिल पे लागल जख्म के बात कर रहल बाड़ू तो रउआ हमार प्राण के रक्षा कैनी। ऐसे इत सिद्ध होखत बा कि रउआ जाने ले कि रउआ सियासी मामला के बातचीत करे से पहले ये देख लेवे के चाही बेगम जोधा कि आसपास जे लोग मौजूद बाड़े उनकर ई मामला के सुने के हैसियत बा भी कि ना। हम क्षमा चाहत बानी। बताई रउआ यहाँ सिर्फ हमार मिजाज जाने आइल बानी या फिर कोनो और बात बा? धन्यवाद के पात्र रउआ बानी, रउआ हमार प्राण के रक्षा खातिर। खैर वो बात तो रउआ समझे गईल होकी है, जे हम रउआ से पहले भी कहले रहनी कि ए हरम में हमार हुकूमत चले ले, और जलाल के दिमाग पे भी कोनो भी कीमत पे हमार कहल ना टाल सकेलू। खुदा कसम अगर हम ना रुकती तो रउआ के कत्ल कर चुकल होते जलाल। हम स्वीकार कर रहल बानी कि रउआ हमार प्राण के रक्षा कैनी, परंतु प्रश्न ई बा काहे और कौना कारण से? कहे कि जौने दिन हमरा के और हमार भाइयन के नजर बंद करल गईल रहे, उ दिन तो रउआ हमरा के प्राणदंड देवे खातिर उतारू रानी। उ दिन काहे ना हमरा के निर्दोष मनलू? एकर अर्थ ई बा कि अब रउआ जान चुकल बानी की असली अपराधी के बा। हम ओकर नाम जाने चाहत बानी। उ जे भी बा ओकरा से रउआ के कोनो सरोकार ना। हमके लागत है कि ओकर सीधा संबंध हमसे है। उ व्यक्ति के कारण हमरा पे उंगली उठल, और ना केवल हम पे बल्कि हमार परिवार पे, हमार जन्मभूमि पे लांछन लगल, और यही से हमरा के लागत है कि हमरा के जाने के पूरा अधिकार बा कि केकरा दुष्कर्म के कारण हमरा के दंड भुगते के पड़ल। और हमके ई लागत बा कि रउआ के जाके अपन आजादी के जश्न मनावे के चाही। ई सियासी मामला हा, जे के समझे के ना ही रउआ में ताब हा, और जोने में पड़े के ना ही रउआ के इजाजत। ई मामला से रउआ दूर ही रही तब बेहतर होखी। पर काहे? ई आरोप के कारण हमार पिता के अपमान भइल, हमार बहन के संबंध टूट गई, ओकर होखे वाला पति के हत्या भइल, और रउआ बेकार के सवाल पूछ के परेशान ना करी रउआ। ना हमके रउआ के सवालन में दिलचस्पी बा, ना ओकर जवाब देवे के जरूरत समझे नी हम। एक बार रउआ के जान का बचा लेनी रउआ के का लागता? ई हरम में रउआ के कद बढ़ गईल बा ना जोधा बेगम? राउर हैसियत आज भी उहे बा जे तब रहे। रउआ के किस्मत में तब भी जलाल न रहले और अब भी न बाड़े। रउआ के इतना वक्त देनी हम एकरा के आपन खुशकिस्मती समझी, और अपना सवाल के साथ तशरीफ ले जाई यहाँ से। मलिकाए बेगम आराम फरमावे चाहता नी, और कोनो भी छोट मोट बेगम के हैसियत ना कि वो मलिका के आराम में खलल डाले। अब रउआ जा सकेनी। रउआ हमके बताई या ना बताई रुकैया बेगम, हम जान के रहब कि वो हत्यारा के बा जेकरा कैला के कलंक हमरा और हमार परिवार के माथा पे लगल। वो डिब्बी जब तक हमके ना मिली हम चैन से ना बैठब, कहे कि जे केहू के पास वो डिब्बी बा वो ये जानेला कि हम वहाँ मौजूद रहनी। काश हम दीवाने खास में मौजूद होती तो हमके पता चल जात कि जलाल जोधा के नजर कैसे आजाद काहे कर दहलस। कुछ तो बात बा जे हमके जानल जरूरी बा। शहनशाह के एक बाल बुलंद होके वजीर आलिया महामंगा रउआ से मुलाकात के लिए चाहत आड़ीन। उनके अदब के साथ यहाँ लाइल जाए। गुस्ताखी माफ होके शहनशाह, हम रउआ से कुछ अर्ज करे चाहता नहीं। हम कितना बार आपसे कहले बानी बड़ा मम्मी, हम के शहनशाह कहे के तकल्लुफ सिर्फ दीवाने खास तक सीमित रखी। फिलहाल हम आपके बेटा बानी और आप हमार बड़ा मम्मी,
एगो बेटा से ओकर बड़म्मी का कहे चाहतारी इहे कि रउआ बेगम जोधा की नजर कैद से आजाद का ही कर देलस कहे कि वो बेकसूर बाड़ी ई जानत भी कि वो धतुरा के अर्क आमिर से आयल रहे रवई मान रहल बानी की बेगम जोधा बेकसूर बानी जी बड़म्मी कहे कि हमरा हाथ एगो ऐसन सबूत लागल बा जे ई साबित करेला कि जोधा बेगम बेकसूर बाड़ी साबित होकेला कि हमार होके वाले वारिस के कत्ल के साजिश ना कैले बाड़ी कैसन सबूत हमार कहे के मतलब बा जलाल हम वजीर आलिया बानी हमरा के भीतर जानकारी होके कि चाहिए ना सुराग के बारे में हाँ अगर हमके सुराग के बारे में पता चली तो हो सकेला असली कातिल के पकड़े खातिर हम रउआ के कुछ मदद कर सकी बड़म्मी हम सोचले रहनी कि हम सल्तनत के कोनो भी अहदेदार के इराज में शामिल ना करब वजीर आलिया के बिना पर फिर आप उनसे अलग बानी हमार बड़म्मी बानी हम आपके इराज में शामिल कर सकी बस एगो डिब्बी बा यही कह सुराग ना बड़म्मी ई महज एगो डिब्बी नहीं खे एमे हमार होखे वाला वारिस के कत्ल के साजिश बंधा यही में उधतुरा के अर्क लाइल गेल रहे जेकरा रुकैया बेगम के पिलावे से उनकर हमर गिर गेल हमके असली गुनाहगार तक पहुंचाई अगर ये सुराग बात तो बहुत अहम सुराग बा जलाल लेकिन ये सुराग रउआ के कहां से मिले ना अब हमार कह के मतलब बाकी जौन जगह पर भी या जे गेहूं के पास भी सुराग मिलल बा गुनहगार तो वह भइल ना ना बड़म्मी हमके पूरा यकीन बा कि जेकरा पास ही सबूत मिलल उ चाह के भी गुनाह ना कर सके अब तब वक्त ही हमरा के बताई कि असली गुनाहगार के हा फिलहाल आप आराम फरमाई हम ई मसला पे हम आपसे कल बात करब ए डिब्बी ता वही डिब्बी बा लेकिन ये जलाल के पास कहां से आई और जलाली कौन शख्स के बारे में बात करत रहे जे पर चाह कर भी वो शक ना कर सकेला ऐसा इंसान तो जलाल की जिंदगी में सिर्फ एक के बिया और रूबानी है